आज प्लेन राइस बना दी थी मैं, लेकिन करी बनाने के लिए मन नहीं था, इसीलिए सोची कि एक को मिला के राइस में कुछ ऐसे आइटम बनाऊं जो कि खाने में भी अच्छा लगेगा और सबको पसंद भी आएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सिजवन फ्राइड राइस बनाई हूँ। सिजवन फ्राइड राइस बनाने से पहले अपने नए दोस्तों को बोलूँगी जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाते ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मोना, स्वागत करती हूँ आपको स्वाति लोकी में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं आज सिजवन फ्राइड राइस। उसके लिए मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर दी हूँ, एक मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को जो हाफ ली हूँ उसको भी छोटे छोटे कट कर दी हूँ, 5 से 6 यहाँ पर मैं इंडियन बीन्स ली हूँ उसको भी बहुत छोटे छोटे कट कर दी हूँ, और यहाँ पे मैं हाफ पीस ऑफ कैरेट ली हूँ उसको भी क्यूब साइज में छोटे छोटे कट कर दी हूँ। ये सब हम यूज़ करेंगे सीजन फ्राइड राइस बनाने के लिए। और अब जो खड़े मसाले हैं उसमें से ली हूँ यहाँ पे 2 से 3 जो हरी इलायची है उसको, 8 से 9 यहाँ पे ब्लैक पेपर कॉर्न ली हूँ, और 1 से 2 इंच के सिनेमम जो कि दालचीनी, और 1 से 2 हरी मिर्ची और 1 से 2 लाल मिर्ची लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता लिए हैं और 4 से 5 यहाँ पे लौंग लिए हैं, और 1 स्टार अनाइस ली हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं 5 से 6 जो लहसुन की कलियाँ निकाल के उसको स्लाइस कट कर दी हूँ। एक कढ़ाई बिठाएंगे, 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अभी मैं यहाँ पे 5 अंडे ली हूँ, मैं जितना राइस मेरे राइस जितना क्वांटिटी है उस हिसाब से मैं अंडा ली हूँ। आप जितना भी राइस बनाए होंगे उस हिसाब से अंडा लीजिए। यहाँ पे मैं सिजवन 1 फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसीलिए इसमें 1 पहले ब्रेक करके उसको भुजी बनाएंगे। भुजी बनाने के बाद उसको निकाल के उसमें हम सीजन फ्राइड राइस बनाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 को ब्रेक करके कढ़ाई में डाल रही हूँ, और डाल के उसको अच्छे तरह से फ्राई करूँगी ऑयल में, और वो बहुत इजीली भुजी बन के तैयार हो जाता है। आपको पहले भी पता होगा कैसे 1 भुजी बनाते हैं, आप ज़रूर अपने किचन में बनाए होंगे। इसमें आप मसाले डाले होंगे, प्याज डाले होंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे प्लेन भुजी ही बनाना है। 1 की भुजी बनाने के बाद हम सारे जो वेजिटेबल्स लिए हैं उसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम सिजवन फ्राइड राइस बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे 1 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटे चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल के भुजी बना के रख दे रही हूँ। अभी हमारा भुजी बन के तैयार हो गया है, इसको एक प्लेट में हम निकाल देंगे। कभी भी अगर दोस्तों खाली राइस बनाए हैं और मन नहीं कर रहा है कोई भी करी बनाने के लिए, आप सिंपली ये 1 भुजी भी बना के राइस में मिला के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप उसमें प्याज टमाटर सब डाल के खा सकते हैं। देखिए हमारा 1 भुजी का प्लेट तैयार है। अभी हम सेम कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे और सारे जो खड़े मसाले लिए थे उसको डाल के अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली भी डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच साजीरा भी डाली हूँ, और अभी मैं इसमें लहसुन डाल के थोड़े टाइम फ्राई करूँगी। लहसुन से जब स्मेल निकलने लगे तभी हम जो प्याज कट करके रखे थे बहुत बारीकी से उसको डालेंगे, उसको डाल के अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ही कच्चा टाइप का रहना है, जो कि आपके मुंह को लगे प्याज खा रहे हैं या फिर आप जो भी वेजिटेबल डाल रहे हैं उसको आपको फील होना चाहिए कि वेजिटेबल्स का स्वाद आना चाहिए आपको। इसीलिए यहाँ पे मैं कैरेट भी डाल दी हूँ और बीन्स भी जो कट करके डाली थी वो भी डाल दी हूँ। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे नमक डाल के अच्छे तरह से मिला दी हूँ, और इसको हमको बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। यहाँ मैं 2 मिनट के लिए बस हल्का सा तेल में भुनी हूँ सारे मसाले को और वेजिटेबल्स को। यहाँ पे जो 1 भुजी बना के रखी थी अभी
हमारा जो हल्का सा फ्राई हो गया था वेजिटेबल्स, उसमें एक भुजी को डाल के अच्छे तरह से मिला लेंगे हम। कभी भी आप रेस्टोरेंट या होटल में खाए होंगे अगर फ्राइड राइस या फिर सीजन फ्राइड राइस, तो आपको ज़रूर फील हुआ होगा कि यहाँ वेजिटेबल्स थोड़े से हाफ बॉयल्ड है, हाफ कुक्ड है। वैसे ही हमको हाफ कुक करना है। अभी हम यहाँ पे 6 से 7 कप राइस डालेंगे और डाल के सारे मसालों के साथ वेजिटेबल्स के साथ राइस को अच्छे तरह से अप डाउन करके मिला देंगे। ऊपर नीचे करके मिलाना है ताकि सारे राइस मसालों में खुल जाए, मिल जाए। अभी हम यहाँ पे सिजवान फ्राइड राइस का मसाला, आपके पास अगर अवेलेबल है आप ज़रूर डालिए, क्योंकि इसी मसाले से ही इसका स्वाद बढ़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे सिजवान फ्राइड राइस का मसाला डाल रही हूँ और बहुत अच्छे तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ। नहीं तो आप इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि आप बिरयानी मसाले डाल सकते हैं, आप खुद घर पे भी बना सकते हैं। सिजवान फ्राइड राइस का मसाला बहुत इजीली बन जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे ज़रूर बताऊंगी हाउ वी विल मेक दिस सिजवान फ्राइड राइस मसाला। अभी हम थोड़े से जो धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता को कट करके रखे थे, अभी उसको गार्निश कर देंगे। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा सिजवान एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया है। है ना दोस्तों, इजीली बनाना ये सिजवान फ्राइड राइस का रेसिपी बहुत आसानी से बनके देखिए तैयार हो गया है। बस आपके पास अगर कुक्ड राइस है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद कैसा लगा मुझे ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। अभी हम एक प्लेट में गरम गरम सिजवान एग फ्राइड राइस निकालेंगे और उसको रायता के साथ मिला के खाएंगे। अभी मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन में पैक कर दूंगी, मेरे बच्चों के लिए भी लंच के लिए रख दूंगी। बहुत अच्छे तरह से हम सारे फैमिली मिलके इसको खाएंगे। और देखिए, मुझे यहाँ पे कोई भी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, बस थोड़े से फ्राई करना था वेजिटेबल्स और आराम से हमारा सिजवान फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया। और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। और दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल में, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाते ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आऊँगी और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। Stay home, stay safe. Namaste.